जेपीजी आईएएस एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रस्तुत है एनटीपीसी परफेक्ट 15 की अगली सीरीज और आज का ये पहला सवाल, बंधन एक्सप्रेस का परिचालन किया जाता है, यानी आप सब जानते हैं बंधन एक्सप्रेस का परिचालन 9 नवंबर 2017 को भारत और बांग्लादेश के बीच शुरू की गई थी। हालांकि बंधन एक्सप्रेस से पहले भी भारत और बांग्लादेश के बीच 14 अप्रैल वर्ष 2008 को जो ट्रेन चलाई गई थी उसका नाम है मैत्री एक्सप्रेस। तो मैत्री एक्सप्रेस और बंधन एक्सप्रेस ये दो ट्रेनें हैं जो कि भारत बांग्लादेश के बीच चलाई जाती हैं। और बंधन एक्सप्रेस जिसकी शुरुआत मैंने अभी बताया कि 9 नवंबर 2017 को हुई थी, यह कोलकाता और खुलना के बीच चलती है। किसके बीच चलती है? कोलकाता और खुलना के बीच। जबकि जिस मैत्री ट्रेन का मैं नाम लिया था, मैत्री एक्सप्रेस का नाम लिया, वो कोलकाता और ढाका के बीच चलती है और मैत्री एक्सप्रेस की शुरुआत 14 अप्रैल 2008 को हुई थी। पहले सवाल का ऑप्शन डी सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिंद अवेस्ता किससे संबंधित है? तो आप जानते हैं जिंद अवेस्ता जो कि ऋग्वेद का समकालीन माना जाता है और ये पारसी धर्म से संबंधित है। किस धर्म से संबंधित है? पारसी धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस परेड वर्ष 2019 में भारतीय रेलवे को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला, इसकी थीम क्या थी? आप जानते हैं गणतंत्र दिवस परेड का आयोजन इंडिया गेट पर किया जाता है और वर्ष 2019 में गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में अफ्रीका के राष्ट्राध्यक्ष श्रील रामफोसा का आगमन हुआ था और वहाँ पर भारतीय रेलवे को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया जिसकी थीम थी क्या? मोहन से महात्मा तक। क्या थीम थी? मोहन से महात्मा। जी हाँ, महात्मा गांधी जी जो कि 1893 में अफ्रीका गए थे और मोरिसबर्ग रेलवे स्टेशन पर एक घटना होती है जब उनको ट्रेन से फेंक दिया जाता है और इसके बाद से ये घटना ने उनकी ज़िंदगी बदल दी और मोहनदास करमचंद गांधी आज हम लोगों के बीच महात्मा गांधी या राष्ट्रपिता के नाम से, बापू के नाम से जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बरसात के दिनों में भूमि फिसलनदार किसके कारण से होती है? जी हाँ, बरसात के दिनों में और ख़ास करके उन स्थानों पर जहाँ लगातार पानी गिरता है और उस पर धूप न लगती हो तो ऐसे स्थान फिसलनदार हो जाते हैं, स्लिप करते हैं। ध्यान न रखें तो पैर कब ऊपर हो जाए कोई भरोसा नहीं है। ऐसी घटना होती है नीले हरे शैवालों के कारण। किसके वजह से होती है? ब्लू ग्रीन एल्गी के कारण से। क्वेश्चन नंबर फोर का ऑप्शन भी सही है। अगला क्वेश्चन, लेब्राडोर की ठंडी धारा संबंधित है? आप जानते हैं पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण समुद्र में जो धाराएँ चलती हैं या तो गर्म धारा होती है या तो हॉट ओशन करंट होती है, नहीं तो कूल ओशन करंट होती है, और जो ठंडी जल धारा होती है समुद्र में वो ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलती है। किधर से किधर की ओर? ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलती है और उसमें लेब्राडोर की ठंडी धारा जो कि अटलांटिक महासागर की में चलती है, किसमें जो है चलने वाली धारा है? अटलांटिक महासागर की धारा है। यही लेब्राडोर की धारा जब ग्रांट बैंक के पास गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा से मिलती है तो वहाँ पर कुहासा जैसी स्थिति को उत्पन्न करती है और वहाँ प्लैंकटन नामक घास होती है जिसको खाने के लिए मछलियाँ पहुँचती हैं और विश्व में सबसे अधिक मत्स्य का शिकार, मछलियों का शिकार वहीं ग्रांट बैंक में किया जाता है न्यूफाउंडलैंड द्वीप पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना प्रतिनिधित्व के कराधान नहीं, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन किस क्रांति से संबंधित है? तो बिना प्रतिनिधित्व के कराधान नहीं, यह स्लोगन अमेरिका की क्रांति से संबंधित है। किसकी क्रांति से संबंधित है? अमेरिका की क्रांति से संबंधित है जो कि बोस्टन चाय पार्टी की घटना के बाद 1765 से लेकर 1783 के बीच हुई थी और अमेरिका ब्रिटेन से स्वतंत्र हुआ था। तो नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन किससे संबंधित है? अमेरिका की क्रांति से संबंधित है। इंग्लैंड की क्रांति जिसको कि गौरवपूर्ण क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? गौरवपूर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है जो कि 1600
1788 से लेकर 1689 के बीच हुई। फ्रांस की क्रांति जो कि 1789 से लेकर के 1799 के बीच हुई थी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। लाल और पिकॉक ब्लू को मिला दिया जाए तो कौन सा रंग होता है? जी हाँ, लाल और पिकॉक ब्लू, इन दो रंगों को मिलाने से सफ़ेद रंग प्राप्त होता है। कौन सा रंग प्राप्त होता है? सफ़ेद रंग प्राप्त होता है। हालांकि प्राथमिक रंग हरा, नीला और लाल है, लेकिन इन लाल और पिकॉक ब्लू को मिलाने से सफ़ेद प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर झुके हैं तब दर्पण में बनाने वाले प्रतिबिंब की संख्या, बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी? जी हाँ, यदि दो समतल दर्पण को 90 डिग्री पर जो है रख दिया जाए तो उनके बीच कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो उसका फार्मूला होता है 360/θ-1। तो 360/90 यानी -1 यानी ये कितने के बराबर हो जाएगा? 3। अर्थात दो समतल दर्पणों को 90 अंश पर रख दिया जाए तो उनके बीच कितने जो है प्रतिबिंब बनेंगे? 3 बनेंगे। आठवें का ऑप्शन सी सही है, इसका फार्मूला होता है 360/θ-1। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्युमिनियम में ध्वनि की चाल कितनी होती है? आप सब जानते हैं ध्वनि की चाल ठोस में सबसे अधिक होती है, धातुओं में सबसे अधिक होती है, जबकि गैस में सबसे कम और निर्वात में ध्वनि की चाल शून्य होती है। एल्युमिनियम में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है और वो 6420 मीटर प्रति सेकेंड होती है। कितना होती है? 6420 मीटर प्रति सेकेंड। आपसे पूछता है कि यदि टेम्परेचर को बढ़ाया जाए तो ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है तो ध्वनि की चाल भी बढ़ती है, और 1 डिग्री टेम्परेचर को बढ़ाने पर ध्वनि की चाल 0.61% जो है इंक्रीज कर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का दूसरा परमाणु रिएक्टर है, आप सब जानते हैं भारत का पहला परमाणु रिएक्टर जो कि ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया था और उसका नाम था अप्सरा। क्या नाम था? अप्सरा नाम था 1956 में। जबकि भारत का दूसरा जो परमाणु रिएक्टर जिसका नाम साइरस, और इसको कनाडा के सहयोग से स्थापित किया गया, यानी 10वें का ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 11, हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो यह पुस्तक भारत के महान वैज्ञानिक श्री मेघनाथ साहा के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? मेघनाथ साहा के द्वारा लिखा गया हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस। शांति स्वरूप भटनागर ये भी महान वैज्ञानिक थे, जिनके याद में भारत में जो है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार भी दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में। जबकि सत्येंद्र नाथ बोस जी, जिनके नाम पर जो है अब हिग्स बोसान पार्टिकल, जो कि द्रव्य की 5वीं अवस्था कही जाती है, गॉड पार्टिकल कहा जाता है, उसमें भी इनका बहुत आपका योगदान था। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? जी हाँ, कोशिका की आत्महत्या की थैली यानी सुसाइडल बैग ऑफ द सेल किस सेल आर्गन को कहा जाता है, किस कोशिकांग को कहा जाता है? लाइसोसोम को। किसको कहा जाता है? लाइसोसोम को। कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है, और लाइसोसोम की खोज किया था डी डुवे ने। किसने किया था? डी डुवे ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरणोपरांत किसी व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार ना देने की व्यवस्था कब शुरू हुई थी? जी हाँ, अल्फ्रेड नोबेल के याद में वर्ष 1901 से स्वीडन देश के द्वारा नोबेल पुरस्कार प्रदान करने की व्यवस्था की गई, और नोबेल पुरस्कार एक बार अधिकतम 3 लोगों को एक साथ दिया जा सकता है। वर्ष 1974 से मरणोपरांत किसी व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार प्रदान करने की व्यवस्था जो है बंद कर दी गई, और भारत के महान पुरुष आप श्री महात्मा गांधी जी, जिनको कि नोबेल पुरस्कार के लिए 5 बार नॉमिनेट किया गया, लेकिन उनको एक बार भी ये पुरस्कार नहीं दिया गया, वो अलग बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पायरिया किससे होने वाला रोग है? जी हाँ, पायरिया दांत में होने वाला एक रोग है, और जिस जो व्यक्ति पायरिया से ग्रसित हो जाता है उससे बात करने ही बनती है। पायरिया रोग प्रोटोजोआ के वजह से होता है, यानी ऐसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक कोशिकीय जीव जिनमें पाई जाने वाली जो कोशिका होती है वो यूकैरियोटिक होती है, तो उसको प्रोटोजोआ कहा जाता है, और पायरिया रोग प्रोटोजोआ से ही होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, संगाई महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? जी हाँ, संगाई महोत्सव का आयोजन भारत में मणिपुर में नवंबर के अंतिम सप्ताह में, अमूमन 21 नवंबर से 30 नवंबर के बीच मणिपुर में किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? मणिपुर। संगाई नामक वहाँ का धार्मिक एक हिरण है और उसी को बचाने के लिए ये वहाँ पर एक अवेयरनेस मुहिम चलाई जाती है। संगाई महोत्सव का आयोजन कहाँ पर? मणिपुर में। विश्व की एकमात्र जो तैरता हुआ नेशनल पार्क है वो मणिपुर में ही है, जिसका नाम है किबुल लाम जाओ। क्या नाम है? किबुल लाम जाओ। और किस झील पर ये पार्क तैरता हुआ है? उस झील का नाम है लोकटक झील। जैसा कि आप जानते हैं, क्वेश्चन ऑफ द डे जिसमें मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ और आप लोग उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख करके हम तक पहुँचाने का काम करते हैं। आज का ये सवाल है, होली के दिन हाथी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? यानी होली त्यौहार के मौके पर भारत में प्रतिवर्ष हाथी महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है? ये इन चार ऑप्शन में से कोई एक जो सही आंसर है और आपको बताना है। प्रीवियस वीडियो में मैंने जो क्वेश्चन आपको दिया था, इलाहाबाद बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? जैसा कि आप जानते हैं, इलाहाबाद बैंक भारत का सबसे ओल्डेस्ट कमर्शियल बैंक है और इसका हेडक्वार्टर है कहाँ पर? कोलकाता में। तो ये रहा आज का सेशन। मुझे आशा नहीं, उम्मीद है कि आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए ये रामबाण सिद्ध होगा। धन्यवाद।